हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आई होप्स आप सारे अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छा हूं और आज हम अपना एपिसोड नंबर लेके आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एडोब ऑडिशन की तो एडोब ऑडिशन के आप नाम से समझ गए होंगे कि ऑडिशन एक साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर साउंड और म्यूजिक आप मतलब इसमें कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं एडोब ऑडिशन जो है वो एक प्रोफेशनल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर ऑडियो एडिटिंग वर्क स्टेशन है आप इसमें किसी भी टाइप की ऑडियो को इंपोर्ट करके इसमें एडिट कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो को क्या क्या कर सकते हैं जैसे कि आप इस सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो को मिक्स कर सकते हैं ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एक्सटर्नल माइक लगाकर और ऑडियो को रिस्टोर कर सकते हैं अगर खराब ऑडियो उसको सही करना लाइक वैसे कुछ और आप इस सॉफ्टवेयर में आप ऑडियो क्रिएट भी कर सकते हैं तो आपको बता दूं कि आप ख़राब ऑडियो को एक लिमिट तक अच्छा कर सकते हैं अगर कहीं ऐसा नहीं है अगर आपकी ऑडियो जैसे अगर आपने रिकॉर्ड किया है कहीं भीड़ में अगर आपकी ऑडियो अच्छे से रिकॉर्ड हुई है और सराउंडिंग की जो नॉइस आ रही है वो हटानी आप हटा सकते हैं लेकिन आपकी वॉइस में ही कोई ख़राबी है तो आप वैसे सही नहीं कर सकते ऐसा नहीं हो सकता है कि आप समझ रहे हो कि टोनी कक्कर जी के गानों के जैसा जैसे होता है ना अगर आपने यूट्यूब पर वायरल वीडियो देखी हो कि एक यूट्यूबर ने ही अपना गाना गा के वो कुर्ता पजामा काला काला गाना पे उस तरीके से उस वीडियो को एडिट किया मतलब तो बनाया एक कुछ और वर्जन उसका उसकी ट्यून को यूज़ करके तो उससे मुझे समझ में आया कि आप ऑडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप भी सिंगर बन सकते हैं एक मज़ेदार सिंगर आप समझ पा रहे होंगे मैं बता दूं कि आप ऑडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं और ये तब तो सारी चीज हो गई आप एडोब ऑडिशन को यूज़ कर सकते हैं डायनेमिक डायने, डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू अपने प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर में आफ्टर इफेक्ट करेक्टर एनिमेटर में और एडोब एनिमेट के साथ और भी हाँ हैं जो उनके साथ भी मतलब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हैं और आपकी वीडियो में ऑडियो है जो खराब है आप प्रीमियर प्रो में आप ऑडियो एडिट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एक लिमिट तक एडिट हो पा रही है फिर भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप वहीं से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं ऑडिशन में वहीं से मतलब ये नहीं होगा दाएन्ने, डायनिक डायनेमिक लिंकिंग के थ्रू और जब वो ऑडियो पहुंचेगी वहां पे तो आप उसको एडिट करके वहीं सेव करेंगे तो यहाँ पर भी वो चेंजेस हो जाएंगे जो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इतना ही मुझे बताना था इनके इसके बारे में और ये सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन हाउसेज में अपनी वीडियो को करने के लिए इसका एक सब्टिट्यूट भी है ऑर्डर सिटी इसके बारे में बताऊंगा वो फ्री सॉफ्टवेयर है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं बोलूँगा कि आप वीडियो लाइक ज़रूर कर दें और नेक्स्ट टाइम मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा इसी और भी जो मेरी बची हुई हैं अभी आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी एडोब मीडिया इनकोडर के ऊपर अगर आपने ना देखी हो तो आप जाकर चेक कर सकते हैं मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी एडोब मीडिया इनकोडर के ऊपर तो आप उसको चेक कर लें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें कॉमेंट कर दें वीडियो में कि आप ऑडो ऑडिशन यूज़, यूज़ करते हैं या कौन सा ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं क्या आपका प्रीमियर प्रो में ही काम हो जाता है आपको प्रीमियर प्रो ही लगता है कि सफिशियंट है ऑडियो को एडिट करने के लिए और चैनल और मुझे सपोर्ट करने के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर दें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग